अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम दो मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे आ जाते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम देखेंगे दैट हाउ वी ऐड टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को हम किस रूल के तहत ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए रूल है हमारे पास, मैट्रिसेस कैन बी एडेड ओनली इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए रूल है कि उन दोनों मैट्रिसेस जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सपोज हम दो मैट्रिसेस देख लेते हैं, 2, 3, 4, 5। इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं या नहीं ये जानने के लिए सबसे पहले हम इनका ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हुआ 1x2। और इस वाली मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ 2x1। क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू रूल 1x2 अगर ये मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स इसमें तभी ऐड होगा अगर इसका भी जो ऑर्डर है वो 1x2 हो। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज 2 मैट्रिसेस मैंने ली हैं, 2, 1, 3, 5। एक मैट्रिक्स ये होगी और दूसरी मैट्रिक्स है 3, 4, 5, -2। ये दो मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं या नहीं वो देखने के लिए सबसे पहले हम इनको ऑर्डर चेक करेंगे। इस वाली मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हुआ 2x2। इस वाली मैट्रिक्स में भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी हुआ 2x2। क्योंकि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए हम फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट में सेकंड मैट्रिक्स के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सिंपली ऐड कर देंगे। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब के 2 और 3 कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि 2 और 3 की पोजिशन सेम है, 3 और 5 की पोजीशन सेम है, 1 और 4 की पोजीशन सेम है, 5 और -2 की पोजीशन सेम है। सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को हम एक दूसरे में ऐड कर देंगे। तो सिंपली हम ऐड करेंगे 2 को 3 के साथ, 2+3, 3 को 5 के साथ, 1 को 4 के साथ, 5 को -2 के साथ। सिंपली हम इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी 3+2 5, 5+3 8, 4+1 5, 5-2 3। तो ये हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ गया। इन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड किया तो हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स ये आ गया। ये बात याद रखनी है कि जो हमारे जिन दो मैट्रिसेस को हम ऐड कर रहे होंगे उनका जो ऑर्डर होगा उसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर 2x2 मैट्रिसेस हैं ये दोनों तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी 2x2 होना चाहिए। तो इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी 2x2 का ऑर्डर हो गया। ये था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज प्रीटी सिंपल, सिमिलर टू मैट्रिसेस, टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सेम ही है, इनका रूल बिल्कुल सेम है। अकॉर्डिंग टू रूल 2 मैट्रिसेस को हम तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज हम 2 मैट्रिसेस लेते हैं,
तो हम इन दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम इनको ऑर्डर देखेंगे। इसमें वन रो है, टू कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर हुआ वन क्रॉस टू। इसमें टू रोज हैं, वन कॉलम है, तो ऑर्डर हुआ टू क्रॉस वन। अकॉर्डिंग टू रूल ऑर्डर सेम होना चाहिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो इन दोनों को ऑर्डर सेम नहीं है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सपोज वी टेक अनदर एग्जाम्पल, दो मैट्रिसेस ले लेती हूँ, 5, 3, 7, 8 माइनस 3, 1, 4, 7। अब हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि इनको ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर ऑर्डर सेम हुआ तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम नहीं तो हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसमें टू रोज हैं, टू कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर हुआ टू क्रॉस टू का। इसमें भी टू रोज हैं, टू कॉलम्स हैं, तो इसका भी ऑर्डर सेम है टू क्रॉस टू। क्योंकि ऑर्डर सेम है तो अकॉर्डिंग टू रूल हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम सिंपली इनको कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है पोजीशन ऑफ एलिमेंट, कि जिन एलिमेंट्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए। 5 और 3 की पोजीशन सेम है, 7 और 4 की पोजीशन सेम है, 3 और 1 की पोजीशन सेम है, 8 और 7 की पोजीशन सेम है, तो हम सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 5 माइनस 3, 7 माइनस 4, 3 माइनस 1, 8 माइनस 7। फाइव माइनस थ्री इक्वल्स टू टू, 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ गया। इन दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने से रिजल्टिंग मैट्रिक्स ये आया। अभी इन दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का था, तो हमारे रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। तो इसमें भी 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर हो गया। तो ये था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। आई होप दिस टॉपिक विल हेल्प यू। अल्लाह हाफिज़।